आपको एक मजेदार बात बताऊं, जितने भी बड़े से बड़े चोर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, सबकी शुरुआत एक छोटी पेंसिल चुराने से लेके सेब और केले चुराने से होती है। और वो कब लाखों करोड़ों की चोरी और कभी कभार मर्डर में बदल जाती है पता भी नहीं लगता। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी एक ऐसे ही बच्चे की जो बना माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा चोर। यार कितना टाइम हो गया हम लोग वो चोरी करते हुए, इतने सालों से चोरी कर रहे हैं, इसी पर जिंदगी काटे जा रहे हैं, बट कैसे और कब तक चलेगा ये सब? आ गया मैं। हेलो एनवाई भाई, आ गया मैं। ओके ब्रो, अच्छा हुआ आ गया तू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था यार यहीं से। यार एनवाई थोड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है क्या, कुछ लेकर आना? यार ब्रो देख, खाना तो एकदम खत्म हो चुका है, तो तू चोरी करना पड़ेगा तुझे। अरे यार खत्म हो गया क्या ब्रो, प्लीज जाना, तू ले आना चोरी करके आज। अरे क्या बोल रहे, कल मेरी बारी थी, मैं करने गया था चोरी, आज तेरी है, तू जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आलस आ रहा था इसलिए बोला, चल मैं लेकर आता हूँ। तू तब तक सब प्रिपेयर कर खाना बनाने का, ठीक है? जितना चीज मिलेगा मैं सब लेता आऊंगा। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम्हारा शिवान आखिर कहाँ जाने लग गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने डेली के काम, चोरी में। तो गाइज ये हम लोग आ चुके हैं सब्जी मार्केट में, और तुम लोग देख सकते हो ये मार्केट काफी बड़ा है, और वहाँ पे अपना टारगेट है आज का शिकार चिंटू चाचा। हमारी डेली की अलग अलग स्ट्रेटेजी है गाइज चुराने की, आ जाओ अभी। हेलो चिंटू चाचा, थोड़ा मेरे को आलू 2 किलो हो जाएगा क्या? जी हाँ हो जाएगा बेटा। ओके ओके दे दो, आप दे दो, जल्दी से दे दो। ओके गाइज चलो यहाँ से ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये भी निकाल लेते हैं, एप्पल भी निकाल लो, एंड भागो। यस उसने देखा नहीं, भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, आज के खाने का व्यवस्था तो हो गया। ओके यार आज काफी लेट हो गया यार खाना चुरा के लेके आने में, जल्दी जल्दी चलना चाहिए हमें यार, काफी ज्यादा सन्नाटा हो जाता है हमारे अपार्टमेंट में इतनी जल्दी। वेल चलो यार छोड़ो यार हम चलते हैं, बस एनवाई तैयार हो यार खाना बनाने के लिए, चलो फिफ्थ फ्लोर पे चलते हैं गाइस, अभी भर भर के पेट पूजा करेंगे थोड़ा। ओके एनवाई मैं आ गया खाना लेके, यार पता है आज मैं पकड़ा भी सकता था। एनवाई किधर है? अरे इधर भी नहीं है, वेट अ मिनट। एनवाई वेट, बाथरूम में नहीं, बाथरूम में भी नहीं है। अरे यार ये एनवाई किधर चला गया इतने रात में, वो भी मैं जब ऑलरेडी खाना की व्यवस्था करने के लिए गया हुआ था, तो एनवाई को तो नहीं जाना चाहिए था, कहाँ चला गया यार वो क्या है? वेट ये कहाँ से आया, कौन सा कार्ड है ये? नेम कुत्ता बॉस, स्टेटस मिलिट्री बॉस। वेट वेट अ मिनट, नहीं पुलिस आई थी क्या घर पे? एनवाई को अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्यों? क्या हम लोग पकड़े गए? लेकिन नहीं यार, मिलिट्री वाले लोग क्यों आएंगे और पकड़ के भी क्यों ले जाएंगे यार, मतलब छोटी मोटी चोरी करते हम लोग, कौन पकड़ के ले गया उसको? अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं यार, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, द लोना मिसा पेंटिंग जिसका कॉस्ट 12 मिलियन डॉलर है, उसके चोर को फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और वो चोर अभी पुलिस कस्टडी के अंदर है, और कल उसे कोर्ट में लाकर उसे सजा सुनाई जाएगी। तो जुड़ रहे हमारे चैनल शिवांग मिनी के साथ। यार मैंने तो सोचा था कि वो नॉर्मल सी पेंटिंग है, 12 मिलियन डॉलर्स का क्यों है? और मैं बाहर गया हुआ था तो वो लोग एनवाई को अकेले पकड़ के ले गए, मैंने सच में नहीं सोचा था कि ऐसा पेंटिंग है वो। अब क्या होगा यार, अभी वो लोग पता नहीं यार जेल में एनवाई के साथ क्या कर रहे होंगे। मैंने सुना ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, एनवाई यार ठीक तो होगा, काश यार वो। अरे यार सर मत मारो, प्लीज मत मारो यार। और वे साले क्यों की तुझ पेंटिंग की चोरी, हाँ पूरी 12 मिलियन डॉलर की बिकती है वो, हाँ? अरे अरे सर मुझे नहीं पता था इतनी महंगी पेंटिंग है यार वो, मैं तो बस घर चलाता हूँ अपना चोरी करके। मैं काफी लेट हूँ, बट एनवाई को इसी कोर्ट में लाए थे ना, ओ यस ये रहा, ओ शिट शिट सर सुनवाई यहाँ पे शुरू हो चुकी है, अच्छा हम लोग एक सीट ले लेते हैं पीछे में। ये अदालत सारे सबूतों और गवाह को मद्देनजर रखते हुए एनवाई को 1 साल की जेल की सजा और उसके बाद फांसी की सजा सुनाती है। What? ये क्या हो रहा है? नहीं सर मैं को सच में नहीं पता था ये पेंटिंग इतनी महंगी होगी, मैं सच में नहीं करना चाहता था ऐसा,
तो एनवाई, क्या आप आपके साथ रहने वाले क्रिमिनल का नाम हमें रिवील करेंगे? ओह शिट गाइस, जज तो मेरे बारे में पूछ रहा है, मैं उसके साथ था, मेरे को भी जेल हो जाएगी, मैं यहाँ आया ही क्यों यार, शिट। नहीं नहीं, मैं ना सच बता रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। ओ गाइस, एनवाई ने बचा लिया हमें। ऑर्डर ऑर्डर, तो आज की सुनवाई यहीं पे खत्म करते हैं और एनवाई को मौत की और जेल की सजा दे दी जाएगी। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त एनवाई, जो कि अब मेरे साथ ना रहा, तो अब मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड को जेल की सजा और एक साल बाद फांसी की सजा सुना दी गई थी। मैं काफी क्लूलेस हो गया था और मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी पूरी खराब हो चुकी थी। तो एनवाई को फांसी मिलने में बस एक साल था और मेरे पास उसको बचाने का भी बस एक साल, और मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे क्या करना है अपने दोस्त को बचाने के लिए। आई थिंक गाइस यही एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे मेरे को उस वाले इंसान ने बुलाया था, या जगह तो यही है। चलो चलते हैं इसके अंदर, बस कोई खतरा ना हो। ओके, तो मैं आई थिंक एग्जैक्ट कॉर्ड पे तो आ चुका हूँ। ओह वो रहा। ओके, काफी डर सा लग रहा है। हेलो रवि कुमार, आपसे मेरी बात हुई थी ना कॉल पे? ए रवि कुमार नहीं, बैड एस रवि कुमार। हाँ, वही बैड एस रवि कुमार, तू ही हो गेमिंग विद शिवांग? हाँ हाँ, हमारी बात हुई थी ना मिशन के लिए। मिशन? हाँ, मेरे जो सुपीरियर्स हैं उनको बहुत दिनों से जो नया वेपन मिलिट्री पे आया है वो चाहिए था, बट उनपे मिलिट्री की आईडी नहीं है। यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ऑफिसर जाने वाला है जिसकी आईडी तुम्हें रिट्रीव करके मुझे दे देनी है, ताकि मैं और मेरे पंटर लोग जाके मिलिट्री से अपना माल ला सके। ठीक है बैडस रवि कुमार भाई, आपका मिशन तो हो जाएगा, लेकिन आप कंफर्म मेरे को गुंडा मुंडा से मिला दोगे ना अगर मैं ऐसे ही आपके मिशंस को कंप्लीट करता रहा तो? नाम गुंडा मुंडा, एज 38, ऑक्यूपेशन माइनक्राफ्ट मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। उससे मिलना तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, बट वीडियो लोग के लिए कुछ भी, तुम मेरा काम करो और बस, बाकी मैं गारंटी देता हूँ कि तुम गुंडा मुंडा से जरूर मिलोगे। तो चलो गाइस, मेरे को कोऑर्डिनेट का बुक तो मिल गया है जहाँ पे ये वाला मिशन अपन लोग को करने का है, बस एक बार गाइस ये गुंडा मुंडा से हम लोगों की बात करा दे, फिर वो इतना ताकतवर है ना, हम लोग उसका हेल्प लेके लिटरली पुलिस के बेस पे अटैक करके एनवाई को वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। अगर वो गुंडा मुंडा मान गया ना तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो गाइस ये वाला जगह यार जहाँ से वो अभी डिटेक्टिव या ये मिलिट्री वाला कौन है वो आने वाला है, यहीं से उसकी कार जाएगी और मेरे पास एक मस्त प्लान है गाइस। ये देखो, ये जब यहाँ से निकलेगा ना तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले माइंस, पर ऐसे वैसे माइंस नहीं है ये। ये देखो गाइस, ये ऐसा कॉबल स्टोन जैसा दिख रहा है, तो एकदम भी माइंस दिख नहीं रहे उसके ऊपर, लेकिन इस पे जब वो मिलिट्री बॉस गलती से चलेगा तो बूम ऐसे मर जाएगा गाइस वो। एंड डन गाइस, अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, वो जैसे ही फटेगा उसके कार के साथ हम लोग उसका आईडी कार्ड उठा के निकल जाएंगे यहाँ से। ओके गाइस, आई थिंक आ रहा है वो यार। अरे ये तो माइंस है, लगता किसी ने मेरे खिलाफ साजिश चली है। शिट यार, उसको तो मेरे प्लान के बारे में पता चल गया, माइंस के बारे में, बट ऑफ कोर्स मैंने यही एक्सपेक्ट करा था उससे, आफ्टर ऑल वो इतने बड़े पोस्ट पे है माइनक्राफ्ट रैंक में, तो इसीलिए मैंने एग्जैक्टली मेरा प्लान बीबी प्लान कर लिया था। मिलिट्री मैन मेरे गन पॉइंट पे है, टारगेट लॉक एंड बूम, मिशन कंप्लीट। ओके गाइस, एंड ये देखो, ये रहा इसका आईडी कार्ड। ओ गाइस, आई थिंक इसी को यूज करके वो लोग मिलिट्री के अंदर से सामान मंगवाएंगे। अभी चलो हम लोग जल्दी चल के उसको ये सबमिट करते हैं, और इसके बाद मैंने अपनी पूरी मेहनत से इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मिशंस किए ताकि एक दिन मैं मिल पाऊँ गुंडा मुंडा से। तो शिवांग, फाइनली एक साल की मेहनत के बाद तुम गुंडा मुंडा से मिल पा रहे हो, और थोड़ा तमीज से रहना, एक्चुअली थोड़ा गुस्सा वाला इंसान है, गलती हुई ना तो ये बंदे देख रहे हो ना, भून देंगे तुम्हें। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ यार, आप फाइनली मिला दो मेरे को गुंडा मुंडा से, इतने दिन तक इतना कुछ करे, आज वो दिन है। तो ब्रो थोड़ा जल्दी, मैं उसको थोड़ा एक गैंग मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना है, तो थोड़ा जल्दी करना होगा, मैं आ जाओ। ओके ओके, चलो चलो चलो। ओ भाई, ये सबके सब एकदम गन लेके क्यों देख रहे गाइस, हमको बहुत फट रही है हमारी मेरी। एंड ओ गुंडा मुंडा, गुंडा मुंडा भाई, यही तब वो बंदा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
गुंडा मुंडा का सुना होगा बहुत नाम, अब करने को मिल रहा ना उसके साथ काम। हम हाँ गुंडा मुंडा भाई, बहुत दिनों से मैं आपसे बात करना चाहता था। आपको पता है ना मेरा भाई जो जिसको जेल हुआ है और उसको कल फांसी पड़ने वाली है, उसी के मामले में मेरे को बात करना था। हाँ हाँ सुना मैंने उसके बारे में, और किया है तुमने अच्छा काम, अब गुंडा मुंडा से मिलेगा बड़ा इनाम। यस यस। ये प्लेन देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ। यही प्लेन कल जहाँ पे तुम्हारे भाई को फांसी लग रही है ना, उधर पहुँच के उसको रिट्रीव करेगा। ओके ओके, कैसे क्या होगा ब्रो? उस सब को तुम टेंशन मत लो, मेरे बंदे लोग हैं उन सब के लिए। अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, निकलना होगा मुझे। ओके ओके गुंडा मुंडा भाई, आप निकलो। ओके ओके ओके, उड़ गया यार वो गुंडा मुंडा। अरे अरे आराम से। वाओ ओके, वो तो गया गाइस, और इसके गार्ड वार्ड है। चलो हम लोग भी यहाँ से आज निकलना है थोड़ी देर में, तो कल वो दिन है, हम लोग गुंडा मुंडा की हेल्प से NY को रिट्रीव करके बचा ले आएंगे। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी एग्जीक्यूशन वाले जगह पे जहाँ पे NY को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके गाइस मैं आ गया, और वो देखो NY को वो लोग लेके आ चुके हैं। चलो चलो हम लोग इधर क्राउड के बीच में जाके बैठ जाते हैं ताकि इन लोग को शक ना हो कि ये कौन आ गया है। यार बस सारा प्लान हमारा अच्छे से काम करे यार, NY को बचाना है हम लोगों को। आपको पता है बारी पेंटिंग लीना मूसा का चोर जो कि आज से एक साल पहले पकड़ा गया था, उसको फांसी दे दी जाएगी और उसके पापों का कर्ज उसे मिल जाएगा। गाइस मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वहाँ पे देखो NY को उन लोगों ने टांग लिया एग्जीक्यूशन के लिए। यार बस सारा प्लान काम कर जाए, गुंडा मुंडा है तो मेरे को डर नहीं लग रहा, वो पक्का कुछ ना कुछ कर लेगा यार, प्लान बस हमारा काम कर जाए। तो दोस्त तेरी आखिरी इच्छा बता मरने से पहले। मेरी लास्ट इच्छा है, मैं अपने भाई से बस एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज मिला दो यार। बाय, मैं आ गया। शिवाय आओ। तो ये है इसके साथ मोला भाइयों, लो इसे। ए क्या बोल रहा है ये? सभी लोग, कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा, तुम लोगों को पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। गुंडा मुंडा इज द साइन, आ जाओ। वो गाइस वो प्लेन आ गया अपना। व्हाट, ओ माय गॉड, बॉम्ब बॉम्ब गिर रहे, लेट्स गो। अपना गुंडा मुंडा काम कर रहा है। वाह 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 वाह, आराम से। रुको रुको गाइस, हम लोग भी जल्दी जल्दी अपना नेट निकालते हैं, चार और फेंकते हैं, और ये स्मोक स्मोक ग्रेनेड स्मोक ग्रेनेड। ओके चार और स्मोक फैल रहा है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। व्हाट, ओके भाग के हम लोग चलते हैं NY के पास, मैंने मास्क पहन लिया है। ओके ओके NY NY आ गया, शिवांग आ गया फाइनली। रुक जा, मैं तेरे को खोलता हूं। यस आजा आजा नीचे आजा, खोल दिया। ओ हम मास्क खोल ले, चल आजा आजा, वहां पे गेट पे सब लोग आ गए, जल्दी मेरे पीछे आ। चल 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 ब्रो, मास्क उतारने पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा मेरे को? अरे मास्क नहीं उतारना था ब्रो, स्मोक उसने जो डाली है वो हार्म करता है। ओ दिख गई कार, चल चल। यार शिवांग सामने तो मिलिट्री वाले खड़े हुए हैं, आप क्या करेंगे? तो उसकी टेंशन मत ले, लेट्स गो गाइस। तब पे चढ़ाते हुए जाना पड़ेगा। यस गाइस निकल गए, चलो 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 चलो। ओह माय गॉड लेट्स गो, वो सब हमारे पीछे आ रहे हैं भाई, जल्दी से निकलना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से। शिवांग हेलीकॉप्टर भी आ रहा होगा पीछे, यार फांसी का दिन था, भागा तेज। लेट्स गो लेट्स गो, मैं बचा लूंगा NY, टेंशन मत ले, अब बस तू बच चुका है। ओके मास्क उतारता हूँ ब्रो, आज गर्दन कटने वाली थी यार, एंड टाइम पे बचा लिया शिवांग भाई यार। ओके हम लोग खतरे से दूर आ चुके, चलो थोड़े जंगल साइड चलते हैं हम लोग, लेट्स गो। ओ भाई क्या उड़ा रहा है यार शिवांग। ओके NY ये थोड़ी सी सुनसान सी जगह है, आई थिंक हम लोग यहाँ पे आज रात के लिए सेफ रहेंगे, पर हमें ये कंट्री छोड़ के निकलनी पड़ेगी कल के कल। एकदम सुनसान जगह लग रही है यार शिवांग, तू गलत जगह तो नहीं ले आया ना मेरे को? अरे नहीं कहीं और अगर हम रहे और पकड़े गए तो मार देंगे। आजा आजा यहाँ पे घर भी है। ओके इसका अबैंडनड घर है ब्रो, और एक रेडियो है बस यहाँ पे। हाँ 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 मतलब सेफ तो रह लेंगे, चलो आज की रात तो यहाँ पर गुजार सकते हैं शिवांग। लेकिन अब क्या होगा यार NY? लेकिन यार शिवांग एक बात बता, मतलब तूने जो बॉम्ब बॉम्ब गिरा इतने जो मतलब किया डिस्ट्रक्शन, तू कैसे किया ये सब? बहुत लंबी कहानी है, एक बार हम लोग शांति से बच जाए, दूसरे देश निकल जाए, फिर बैठ के सब बताऊंगा तेरे को। ओके बस बच जाए। लेकिन यार शिवांग कैसे भी, एक मिनट किसी के आने की आवाज आ रही है NY। शिट एक कोना पकड़ ले, कोना पकड़ ले। सीढ़ी के नीचे बैठ, चुप जा एंड शिट शिट रुक, बम निकाल दो बम निकाल रहा बम निकाल रहा। हां 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 अरे आप लोग तो बहुत भूखे लग रहे हैं। हाँ वो हमारे पास घर नहीं था तो हम यहाँ आ गए। आप कौन? ये लो आपके लिए खाना, आप लोग ऐसे भूखे में आपको हेल्प कर सकती हूँ। ओ अरे ये तो दोस्त है NY, बहुत बहुत शुक्रिया, आजा आजा बैठ बैठ खा खा, कितने दिन से नहीं खाया हूँ मैं। ओके
मैं अभी खा लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे यार, ये रेडियो क्यों बचने लगा, ये तो इतना पुराना गंदा सा लग रहा था। सूत्रों से पता चला है कि लीना मोसा की पेंटिंग के चोर को एग्जीक्यूशन के टाइम पर दो लोग फरार करके ले गए हैं। पूरे देश में हाहाकार मच चुका है, सरकार ढूंढने में लगी हुई है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। सरकार काले से जहां मिले उनको वहीं पर थूक गया है। ओ शिट यार, आओ आप लोग वही लोग हैं कि जो रेडियो पे आए थे। अरे नहीं नहीं, अरे तुम आप गलत समझ रहे हो, भूल गए हो। ये हम तो कुछ, ए क्या हो गया, उसको मार क्यों दिया? अरे मारना पड़ता ब्रो, हमें फंसा देती। अरे लेकिन ये सब थोड़ी ना करते थे यार अपन, यार क्या कर रहा है ये यार। पहले तो हम लोग पेन से चुराते थे, खाना चुराते थे अपना दिन काटने के लिए, लेकिन ब्रो मारा नहीं था किसी को आज तक यार। अरे अनवाय, आज एक साल हो चुके हैं और बहुत चीजें हुई है, तू नहीं समझ सकता। मेरे को ये सब करना पड़ा दोस्त तुझे बचाने के लिए, लेकिन आजा, अब हमें इस जगह से भी निकलना पड़ेगा, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। मैं तेरे को सब बताऊंगा भाई, बहुत कुछ चेंज हो गया है टाइम के साथ। इस घर को ग्रेनेड से उड़ा देता हूँ ताकि किसी को भी हमारे जगह का पता ना चले। जल्दी भाग उधर से, ओ शिट बच गया। चंगे यार, लेकिन ये कार तो ले चले ना। हाँ हाँ, आ जाओ, इस पे बैठते हैं और यहाँ से एस्केप करके निकलते हैं कहीं दूर। तो इसी तरह दो छोटे से चोर जो कि सब्जियां चुरा कर अपना दिन काटते थे, पता भी नहीं चला कब दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल में बदल गए। आई होप आपको ये स्टोरी में मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। गुड बाय।